हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। और आज है संडे और मैंने कहा था इससे पहले वीडियो पे कि मेरी ब्रदर इन लॉ की शादी है, सो अब हम उस शादी में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मीन्स कि अभी हम घर से जर्नी करेंगे स्टार्ट। तो अभी हमारी तैयारी थोड़ी चल रही है, रात के 2:30 बजे हमारी ट्रेन है। अभी थोड़ी शाम की तैयारियां चल रही है, मीन्स डिनर होगी, उसके बाद पैकिंग हो चुकी है गाइज, और उसके बाद डिनर करके हम अपनी तैयारियों में लगेंगे निकलने के लिए। तो गाइज ये शादी के ब्लॉग्स भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। तो बहुत दिनों बाद मेरे इन लॉज की यहाँ शादियों में मैं हो रही हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक 1 ईयर पहले शादी में ज्वाइन की थी, उसके बाद बहुत टाइम पहले ये अभी शादी के सेलिब्रेट हो रही है। तो गाइज मेरी और अनीशा की इसमें सारे कपड़े हैं, और ये चादर एक बैग मैंने एक्स्ट्रा लिया है ताकि अगर कुछ शॉपिंग किया जाए तो इसमें ले सकूं। और बाय द वे इसमें मैंने चादर लिया है जर्नी के लिए, ट्रेन के लिए, अभी रात में अगर हमें मैंने सोना है तो उसके लिए मैंने चादर पैक किया है। और ये मेरी एक हैंड बैग है जिसमें मैंने अगर कोई ज़रूरत हो तो उसमें मैं पैक किए हूँ क्योंकि जो जल्दी से मैं निकाल सकूँ। ब्लॉग पे आप बनी रहिएगा। तो चलिए अभी हम बनाते हैं, मैं आज बना रही हूँ तड़का। तो हमारी डिनर में तड़का रोटी होगा, तो चलिए बनाती हूँ मैं डिनर पे, तो चलते हैं फिर। और ब्लॉग ज़रा भी पसंद तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर चलिए। सो गाइस मैंने डिनर में ये तड़का बनाया है और ये रोटियां हैं और ये आम। सो आज की डिनर ये रहेगी। तो गाइज़ ये हैं अनीशा के कुछ टी शर्ट्स जो अमर जी अभी मॉल गए थे, सो यहाँ से परचेस करके लाए हैं। और आप देख रहे हो कि अभी भी पैकिंग चल रही है, सो अमर जी के यहाँ पैकिंग चल रही है। वो लास्ट में कंफर्म कर रहे हैं कि मैंने क्या लिया है और नहीं लिया है। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने कहा था कि मैंने बैग में बेडशीट लिया है, और यहाँ पर ही बैग में मेरी कुछ यूजफुल चीज़ें हैं। तो यहाँ चल रही है, हमें डिनर हो चुकी थी तो अभी हम लूडो खेल रहे हैं टाइम पास के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन है 3:30 बजे और हम अभी थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं। तो देखिए अभी बज रही 1 और हमारी हो रही है अभी भी पैकिंग, और अभी तक हम टाइम पास कर रहे थे लूडो खेल के 1 बजे तक। तो हमारी ट्रेन का स्टेटस दिखा रहा है 3:30 बजे। तो अब देखते हैं, अब जानी तो है ही, तो देखिए कितने बजे हम पहुंचते हैं और कितने बजे निकलते हैं। तो चलिए चलते हैं, तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। ये झांसुगुड़ा लिखा हुआ है, इसमें देखो 2:20 से 3:23 हो गया। तो हमें झांसुगुड़ा जंक्शन से चढ़ना है, तो लेकिन देखिए ये 2:20 की आने वाली है, 3:23 दिखा रही है स्टेशन से। तो अब देखते हैं कब तक हमारी ट्रेन आती है और कब हम यहाँ से निकलते हैं। तो हमें यहाँ से पहुँचने में भी 15 से 20 मिनट लगेंगे, देखते हैं कब तक निकलते हैं। तो चलिए अभी थोड़ी तैयारियों में लगूँ मैं।
अभी हम कर रहे हैं ट्रेन का इंतज़ार। तो अभी कितने बज रहा है दिखाइए घड़ी। 2:30 बज रहा है। नहीं दिखा। फर्स्ट टू। हाँ अभी बज रहे हैं 2:35 और अभी हम लगेज लेके बैठे हुए हैं सारे, देखिए। और नींद भी आ रही है। संबलपुर से गाड़ी है। कहाँ तक आइए? संबलपुर। हाँ एक घंटा लगे। सही से चलाए तो 1 घंटा नहीं लगेगा। एज यूजुअल इंडियन ट्रेन लेट 1/2 घंटा 1 घंटा। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती है, ट्रेन तो लेट हो ही जाएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बात नहीं होती। ये तो छोटा ही शहर है। हाँ। इसलिए स्मॉल टाउन, स्मॉल टाउन में बड़ी बातें हो गई है। ट्रेन 1 घंटे लेट है, 1 ही घंटा लेट है तो ठीक है, 5 घंटे लेट है तो सर घूम जाता है। 5 घंटा लेट वैसे हम लोग ऐसा बहुत सारा ट्रेन, लेकिन हम लोग घर से, लेकिन हम लोग घर से 5 घंटे 10-10 घंटे ट्रेन लेट रहती है। हाँ। अभी इंडियन ट्रेन का कोई हिसाब किताब नहीं है, लेकिन हम लोग सही टाइम पे निकले हैं कि थोड़ा सा आके वेट करें बस। हम लोग तो क्या, हम लोग 2:45 बजे निकले हैं और यहाँ 2 बजे पहुँच गए। हम लोग सोचे 1 घंटे लगेंगे आने में, फट से चले आएंगे ये नहीं सोचे। नहीं रास्ते में बारिश भी हो रही थी। नहीं बारिश भी हो रहा था, आंधी भी चल रहा था, तूफान भी चल रहा था, लेकिन कार में क्या है, लेकिन अच्छा ड्राइव में कहीं भी जाने में, लेकिन अच्छा ड्राइव भी करते हैं। नहीं अच्छा इसलिए लगता है ना क्योंकि हम अपने हिसाब से चलाते हैं 2 घंटे के, लेकिन इनकी ड्राइविंग स्किल ना काफ़ी अच्छी है। ट्रेन का आवाज़ आ गया तो ये मत समझिए कि ट्रेन आ गई, लेकिन खाली ट्रेन मिल जा रही है। ट्रेन जो दिखा दो खाली है। हाँ तो ये ट्रेन है जो कि खाली है पूरी तरह से। हाँ देखिए तो ये बज रहे 2:30 बजे का टाइम है और स्टेशन तो भरी भरी सी है, बट आधे से अधिक लोग सो रहे हैं। और यहाँ मोहित और जुबा है। यहाँ ही बता, ये जो आप नाक की देखते हो तो ये मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है, इनकी तरफ से मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलाएगी। आज ही चूना लगा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा है, मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आगे की जर्नी हम दिखाएंगे, तो चलते अब देखते हैं कि कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो हम जा रहे हैं बोकारो। तो गाइस हमारी तो ट्रेन टाइमिंग थी 10 बजे की वहाँ पहुँचने की, बट अब यही ट्रेन लेट हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि कितने बजे हम पहुँचते हैं। तो चलते हैं फिर। तो अभी बज रहे हैं 11। हाँ 11 बज रहे हैं और अभी भी हम पहुँचे नहीं हैं। सो अभी वे 1 घंटा लगेगा हमें पहुँचने में, तो देखते हैं कि कब तक पहुँचते हैं। ट्रेन तो काफ़ी लेट में आई थी 4:30 बजे। ही
बेटो स्टेशन। सभी आगे चल गए। लगता है यहाँ आकर से आपका गाड़ी पावर स्टीयरिंग नहीं है तो देखो देखो ओए 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 तो बहुत दिनों बाद एमएसटी गाड़ी देखने को मिला है। नहीं हेलो हाँ ये सिर्फ आपको बोकारो में मिलेगा। ये फिक्स है इनका नाम लेने से बेटा पहुंचा देंगे पापा के पास। बेटा बोलो बेटा पसीना में भर गया मेरा बेटा तेरे फिक्स है क्या चाहिए के बोले इतना तो मैं पहुंची थी बेटू। हे गाइस तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन में। हमारी होटल पहले से ही बुक थी और हमें जैसे ही पहुंचते ही हमें रसम में जाना था तो हम जल्दी जल्दी से रेडी होकर फिर निकल पड़े थे। मैं आपका होटल का वीडियो नहीं बना पाई थी तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।